का खर्चा आएगा आएगा, फिर तू पढ़ लेगी तो तेरे लिए उस्ताद आएगा आ जाएगा, फिर मुझे फिर शादी के लिए दहेज देने पड़ जाएंगे पड़ जाएंगे, फिर तू शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी चली जाएगी, जब तेरी बात शादी पर ही आ रही है तो तू बेटा काम कर, शादी पर अपनी बाबा की दुआएं लेती जा, क्या क्या नहीं होता नहीं
हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए और हाथ खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, इससे तुम्हारे हाथ के सारे साफ हो जाते हैं। आप लोग खाने को ढक कर तो रखती है ना, मतलब आप लोग खाना हमेशा खुला छोड़ देती हैं। हमेशा खाने को ढक कर रखा कीजिए ताकि कोई कीड़े मकोड़े आपके खाने को दूषित ना कर दे। अच्छा बेटा ये लो दवाई यार, कल तक तुम ठीक हो जाओगे। आगे से माँ जी इसका ख्याल रखिएगा। सरकारी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ कम से कम पैसों में
अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। हमको खुद पढ़ना नहीं आता। सिग्नल ढूंढ रहे हैं। सिग्नल? हाँ सिग्नल आता है। अरे आता है। कहाँ आता है? अरे आता है। सीधा सीधा बोलिए ना, पढ़ने नहीं आता है। सीधा सीधी नहीं पढ़ने आता। मेरे प्रिय राम प्रकाश, ये खत तुम्हारे ससुर जी की तरफ से है। अगली ट्रेन से हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। आशा करते हैं सब कुशल मंगल हो। तुम्हारे प्यारे ससुर जी।
बेटा तूने पढ़ना कब सीखा? मेरे प्यारे बापू मुझको खेत नहीं जाना, सुना है विद्या मिलती है मुझे वहाँ जाना है। जरूरी नहीं पढ़ लिख कर मैं मजिस्ट्रेट बन जाऊंगा, और कुछ ना सही तो तुम्हारे लिए घर तो पड़ जाऊंगा। बेटा मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा पढ़ लेते हो, अगर मुझे पता होता कि तुम पढ़ सकते हो तो मैं तुम्हें पढ़ने से कभी नहीं रोकता। माफ कर दे बेटा मुझे। तुम बहुत राज कर चुके हो, तुम इंडिया के बच्चे हो, भारतीय बच्चे हो। पानी पिला उसको, वो अंदर नहीं जा रहा।